चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कुंदरू और चना दाल की फ्राई में सब्जी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, टेस्टी भी है। चलिए आगे देखते हैं प्रोसेस, ये कैसे बनाया जाता है। चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये कुंदरू है फ्रेश एकदम, इसकी चना दाल के साथ सब्जी बनाते हैं सूखी वाली। इसको हम लोग उबाल देंगे पानी डाल के, और इसमें एक प्याज और थोड़ा सा सूखा मिर्च और थोड़ा सा जीरा या सरसों, आप जो भी हो आप ले सकते हैं। पहले इसको धो के हम लोग कट करते हैं। चलिए ये हमारी सब्जी कटिंग हो गई है। ये जीरा है, ये जीरे की रेसिपी मैंने दी है, ये भीगा हुआ जीरा है, और ये मिर्च है, प्याज और थोड़ा सा सरसों लूँगी। तेल गरम कर ली हूँ मैं, तेल गरम हो गया है, सरसों डाल देती हूँ, जीरा भी डाल दी। चलिए मिर्च और प्याज को डाल देते हैं, थोड़ा सा तेल की मात्रा मैंने ज़्यादा ली है, मैं सरसों तेल का यूज़ करती हूँ। इसे थोड़ा देर दो मिनट फ्राई होने देते हैं। देखिए प्याज और मिर्च भून गया है, हम लोग सब्जियाँ डाल देंगे। चलिए हम लोग चला देते हैं, ये कुंदरू है ये थोड़ा सा पकने में टाइम लेता है। अगर आप एकदम से सूखा फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा तो टाइम लेगा, ये कम से कम 20-25 मिनट। चलिए इसको भूनने देते हैं। देखिए 10 मिनट हो गया है, 10 मिनट में मैंने इसको एक बार और चलाया है। चलिए इसको थोड़ा देर और भूनने देते हैं, थोड़ा फ्राई होता है तो अच्छा लगता है। ये हमारे कुंदरू हो गए हैं। चलिए इसमें हम लोग टमाटर डालते हैं, मैंने दिया है 4 बड़े टमाटर, इसको कट कर लिए हैं। चलिए इसको हम लोग डाल देते हैं, 1 चम्मच नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग कितना भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, थोड़ी सी हरी लाल मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी। चलिए इसको मिक्स कर देते हैं, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए मैंने चने दाल बॉईल कर दिए हैं, इसको मैं इसमें डाल दूँगी, लगभग थोड़ा मिक्स कर देंगे। अब इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चलिए हमारा ये कुंदरू की सब्जी तैयार हो गई है, आप भी अपने घर में ये ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।